और इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां बीजेपी ने अपनी हार मान ली है। 12वें राउंड में कांग्रेस उम्मीदवार 25,000 से ज्यादा वोट से आगे हैं और बीजेपी अपनी हार मान चुकी है। कांग्रेस विधायक प्रेम सिंह के निधन से ये सीट खाली हुई थी। चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत अब तय है। बीजेपी अपनी हार मान चुकी है। 12वें राउंड के बाद 25,000 से ज्यादा वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हैं। कांग्रेस विधायक प्रेम सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। 9 नवंबर को इसके लिए मतदान हुआ था और एमपी बीजेपी के अध्यक्ष ने उपचुनाव में हार मान ली है। 12वें राउंड के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी 25,000 वोट से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस विधायक प्रेम सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। एमपी बीजेपी के अध्यक्ष ने हार मान ली है। इस उपचुनाव को एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की साख से जोड़कर देखा जा रहा था। उन्होंने यहां पर जमकर प्रचार भी किया था, लेकिन कांग्रेस आगे चल रही है। बीजेपी के प्रत्याशी ने हार मान ली है। 25,000 वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने हार मान ली है। 12वें राउंड में कांग्रेस उम्मीदवार 25,000 वोट से आगे चल रहे हैं। नीलांशु चतुर्वेदी कांग्रेस को उम्मीदवार हैं, जो कि इस वक्त 25,000 से ज्यादा वोट से आगे चल रहे हैं। और एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। ब्रिजेश, तो आखिरकार बीजेपी ने हार मान ली है, कांग्रेस प्रत्याशी 25,000 वोट से आगे चल रहे हैं। हाँ निशी जी, कांग्रेस को अच्छी खासी मार्जिन मिल गई। अब यहाँ कुल 19 राउंड की गणना होनी है, जिसमें से 12 राउंड पूरे हो चुके हैं और बाकी के राउंड भी समाप्त हो जाएंगे। और कांग्रेस ने अच्छी खासी बढ़त बना ली है और ऐसी बढ़त है जो निर्णायक बढ़त है और सीट कांग्रेस के खाते में रहेगी। और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नंद कुमार चौहान, उन्होंने भोपाल में ये अपनी हार मान ली और कहा है कि ये हार की समीक्षा की जाएगी। हालांकि वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो जो उन्होंने, मजे की बात ये है कि कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस ने बीजेपी ने अपने बीजेपी मुख्यालय में पार्टी में एक नए दफ्तर का उद्घाटन किया है, जिसका नाम उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव के जो वार रूम है उसका उद्घाटन किया है और उसमें नया नारा दिया है, अब की बार 200 पार। मगर उस चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होती जो पहला चुनाव हुआ, उसके पहले बीजेपी को बड़ी चोट पड़ी है, जिसमें अच्छे खासे मार्जिन से बीजेपी सीट हार रही है। उम्मीद तो लग रही थी शुरू में कि कांग्रेस सीट को निकालेगी, मगर इस बड़े मार्जिन से निकालेगी ये बीजेपी के लिए निश्चित ही हैरत वाली बात है और एक बड़ा सबक भी है बीजेपी को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिजेश, आप नजर बनाए रखें, जैसे कोई अपडेट होगा आपका फिर से रुक करेंगे। तो ब्रिजेश हमें जानकारी दे रहे थे कि बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, बीजेपी पहले ही हार मान चुकी है। बहुत बड़ा झटका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।